गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फाइव वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फाइव वीडियो में आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फलनों का संयोजन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है फलनों का संयोजन। यानी कि माना कि एफ ए टू बी तथा जी बी टू सी कोई दो फलन है। एफ और जी दो फलन है तो फंक्शन एफ कैसे डिफाइंड है? ए टू बी में और जी जो है बी टू सी में। मतलब यह हुआ कि फंक्शन एफ का डोमेन ए है और को डोमेन बी है, फंक्शन जी का डोमेन बी है और को डोमेन सी है। तो एफ और जी का संयोजन जी ऑफ एफ द्वारा सूचित होता है। इसको कैसे सूचित करते हैं? जी ऑफ एफ से। तथा फलन जी ऑफ एफ ए टू सी जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित होता है। अब इसका मीनिंग थोड़ा समझ लीजिए, यह कैसे परिभाषित होगा फलन जी ऑफ एफ? तो ए टू सी में, ए टू सी यानी हम लोग देख रहे हैं यह क्या है, जी ऑफ एफ का डोमेन है और यही डोमेन हम लोग क्या देख रहे हैं, फंक्शन एफ का भी डोमेन है। यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो गया कि फंक्शन जी ऑफ एफ का जो डोमेन होगा है ना, वह किसके बराबर होगा? तो वह डोमेन ऑफ एफ के इक्वल होगा। ठीक है, और एक और चीज इसमें हमेशा आपको याद रखना होगा कि जी ऑफ एफ तभी परिभाषित होगा यदि यदि रेंज ऑफ एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट हो डोमेन ऑफ जी के, डोमेन ऑफ जी के। यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ, एफ का रेंज मतलब कि इसके कोडोमेन का ही तो सबसेट होगा ना, कोडोमेन का ही सबसेट होगा और यही कोडोमेन हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसका डोमेन हो जा रहा है। तो वही आपको ध्यान रखना होगा कि जी ऑफ एफ तभी परिभाषित होगा जब रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी के। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वह एक मशीन की तरह काम करता है, लाइक ए मशीन। जैसे देखिए ये फंक्शन एफ वाला मशीन है या फंक्शन जी वाला मशीन है ना। अब देखिए इसमें इनपुट में यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं वो एक्स डाल रहे हैं। एक्स क्या है? तो एक्स कहने का मतलब कि वो फंक्शन पहला जो है ना इसमें, इसके यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में, यानी कि इसके डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डोमेन के एलिमेंट हम लोग इसमें डाल रहे हैं, वह एलिमेंट एक्स है इसमें डाले। तो यह बन के निकला एफ एक्स एज अ इमेज, जो फंक्शन का इमेज होगा और इसका जो होगा वह सबसेट होगा, वो रेंज आएगा ना। यहाँ से जितने भी आएंगे वो इमेजेस मिलके उनका इमेजेस का सेट जो होगा वह रेंज होगा और वो रेंज ही क्या होगा तो इसका सबसेट होगा। ये तो पता होगा ना, इसका सबसेट होगा। तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है, वही चीज यहाँ पे भी डिफाइन हो। अब यही इस डाल है सबसेट होगा, जाहिर सी बात है। और जब वो सबसेट होगा तो जब इस अगले मशीन में इनपुट के रूप में जाएगा तो यहाँ पे ये फंक्शन जी है जो उसके साथ इंक्लूड करके वह एफ एक्स को ले रहा है अपने अंदर और ये बन जा रहा है जी एफ एक्स। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करते हैं। मान लीजिए यह गोलगप्पे बनाने की एक मशीन है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला मशीन का काम क्या है? दो मशीनें लगी हैं, पहले मशीन का क्या काम है कि इसमें हम लोग आटा है ना, आटा डाल दे रहे हैं और जो आपको पानी डालना है वो डाल दे रहे हैं, सब कुछ डाल दे रहे हैं। ये अपने से घोल कर उसके छोटे छोटे पीसेस करके यहाँ से आउटपुट में दे दे रहा है ना। अब बच गया इसको तलना, इसको बच गया तलना। तो अगले मशीन में जब ये इंटर करेगा तो यह इसमें तल उल के यहाँ पे आपके गोलगप्पे के रूप में उसको फुला कर एक गोलगप्पे के शेप में बाहर निकाल दे रहा है। ये सेकंड मशीन का काम है। ठीक है, ऐसे कुछ काम है। तो इनपुट के रूप में हमने आटा डाला और यहाँ से ये सनकर और जो आउटपुट आ रहा है रेडमिन से छोटे छोटे गोलियां आ गई और ये अब इसमें जाएगा, ये इसमें जा रहा है और फिर वो छन के एक पूरे गोलगप्पे के रूप में बाहर निकल रहा है, तल उल के एक गोलगप्पा बन के तैयार हो रहा है। अगर हम यही काम करें, हम लोग यहां से ये चीज हटा दें और इसमें दूसरा कुछ डालने की कोशिश करें तो यह मशीन क्या करेगा? काम तो इसका था उसको तल के गोलगप्पा बना देना, अब ये दूसरे किसी काम को कर पाएगा? कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग फंक्शन एफ का जो रेंज होगा और उसी रेंज को अगले फंक्शन में ले जा रहे हैं,
तब ना आपका आउटपुट सही मिलेगा। तो वही यहाँ कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ जो होना चाहिए वह सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, ताकि वही चीज है कि अगर मान लीजिए इसमें ये गोलगप्पे को तलने के लिए मशीन है, ये सेकंड वाली मशीन, और हम इसमें दूसरा कुछ डालेंगे तो वो काम हो पाएगा जी? नहीं हो पाएगा। तो इसका काम है तलने का, तो ये काम तो कर नहीं पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन जी ऑफ एफ डिफाइन होने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस फंक्शन एफ का जो रेंज होना चाहिए, कहने का मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वह सबसेट होना चाहिए इसका, यानी कि ये सारा इस सब का फंक्शन इसमें हो सके, सबसेट होना चाहिए अगले फंक्शन जी का, उसके डोमेन क्या, उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए ताकि इसमें वो वाला काम हो सके। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, सिंपली ध्यान रखोगे कि फंक्शन एफ जो है ए से बी में हो और जी बी टू सी में हो, तो जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, ए टू सी में डिफाइन होगा। और यहाँ यही ध्यान रखना होगा, ये तो हो गया कि भाई ये जी और जी ऑफ एफ जो है ए टू सी में डिफाइन होगा, और जी ऑफ एफ का जो डोमेन होगा वही फंक्शन एफ का ही डोमेन यहाँ रखा जाएगा। और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जी ऑफ एफ तभी डिफाइन होता है जब रेंज ऑफ एफ यानी फंक्शन एफ का रेंज इसके सबसेट है ना, तो सबसेट होंगे डोमेन ऑफ जी के, यही ना आ जा रहा है यहाँ पे, डोमेन ऑफ जी के सबसेट होंगे। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है फलनों के संयोजन के, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहला ही प्रॉपर्टीज है कि फलनों का संयोजन साहचर्य होता है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। चलिए तो हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिव चेक करना है, तो तीन फंक्शन लेने होंगे, लेट एफ ए टू बी, जी बी टू सी एंड एच सी टू डी, ऐसे लेना होगा ना, कोई तीन फलन है, तीन फलन है, हाँ, फंक्शन एफ जो है ए टू बी है, फंक्शन जी जो है बी टू सी है, एच जो है सी टू डी है, समझ गए ना, क्लियर है। तो आप यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, पूछा जाए आपसे कि जी ऑफ एफ तो कैसे लिखिएगा, तो फंक्शन जी ऑफ एफ का जो डोमेन होगा वह फंक्शन एफ का भी डोमेन लेना होगा और यहां जी का को डोमेन ले लेना होगा, यानी इस तरह से। एंड अगर हम लोग यहां पर बात करें एच ऑफ जी के बारे में, तो फंक्शन जी का डोमेन यहां पे आएगा और एच का को डोमेन यहां पर आएगा, इसी तरह से ना लिखेंगे, समझ गए ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसी तरह से ना लिखेंगे। अच्छा अगर आप हम लोग कहें इसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसी प्रकार अगर हम लोग यहां पर बात करें एच ऑफ जी ऑफ एफ के, एच ऑफ जी ऑफ एफ के बारे में, तो g of f तो ये रहा, ये आपका एक फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो इसको डिफाइन होने के लिए इसका डोमेन लेना होगा और इसका को डोमेन, h का को डोमेन, ठीक है, क्लियर है। एंड दूसरा अगर इसकी अब एक और इसका कंपोजिशन, इसके साथ किसी का कंपोजिशन यानी किसका, f का, f का करते हैं, तो h ऑफ g ऑफ एफ, एफ के साथ करके देखते हैं, तो इसको कैसे, तो फंक्शन एफ का यहां पे आएगा क्या, डोमेन, और एच ऑफ जी का कोडोमेन, एच ऑफ जी का कोडोमेन। तो यहां हमने क्या देखा, दोनों का, यहां भी ए टू डी आ गया, यहां भी ए टू डी आ गया, मतलब यह हुआ कि एच ऑफ जी ऑफ एफ और एच ऑफ जी ऑफ एफ इन दोनों का डोमेन सेम है, इन दोनों का डोमेन सेम हो रहा है, यानी कि यहां लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग चेक करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि दोनों का डोमेन सेम है, अब हम लोग यहां पे चेक कर सकते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो पहले यहां पे इसको ले लेते हैं, चलिए एच ऑफ जी ऑफ एफ, यहां पे एक्स ले लेते हैं इसके साथ एक्स, चलिए
अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ ये यह हो जाएगा एच, ये ऑफ हटेगा, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा और बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। इसी तरह से ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, इनके डोमेन से। चलिए ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अब हो जाएगा एच जी एफ एक्स हो जाएगा ना, एफ एक्स। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एफ एक्स के वैल्यू को कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स वाई है, एफ एक्स जो है वाई है, और यहाँ लिख देते हैं वेयर वेयर एफ एक्स जो है वाई के बराबर है, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको जी वाई को भी कुछ मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ये हो जाएगा एच जेड, तो यहाँ हो जाएगा वेयर जेड इक्वल टू क्या है जी वाई। अच्छा इसका मतलब यह हुआ अगर वाई की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जी एफ एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग यहां देखते हैं, इसको यहां हमने क्या देखा कि ये हमने लाया है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बराबर ये लाया है, ठीक है। तो इसको एज ए फर्स्ट मान लेते हैं, एज ए फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से हम लोग सेकेंड वाला पार्ट लेते हैं, यानी कि इसको लेके चलते हैं एच ऑफ क्या है जी ऑफ एफ, और यहां पे देते हैं एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यह तो ये हो जाएगा एच ऑफ जी, है ना, और यहां पे आपका हो जाएगा ये ब्रैकेट आ जाएगा इसके साथ एफ एक्स, समझ गए। तो एफ एक्स एज क्या है, एफ एक्स एज ऊपर क्या था वाई है, वाई ना है, तो यहां से बन जाएगा एच ऑफ जी वाई, क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं एच, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा जी वाई, और जी वाई का वैल्यू हमने जेड माना था, तो ये बन जाएगा एच जेड, देख रहे हैं ना। चलिए तो यहां से भी हमने देखा कि एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, इसका भी वैल्यू तुम्हारा एच जेड ही आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों का वैल्यू सेम आ गया, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एच ऑफ जी ऑफ एफ एच ऑफ, यहां लिख दीजिए एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इक्वल हो जा रहा है किसके, इसके, क्या है यहाँ एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो दोनों तरफ से एक्स एक्स हटा दो, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ एफ जो है बराबर हो जा रहा है एच ऑफ जी ऑफ एफ के, तो देख रहे हैं ना, यहाँ से आपने देख लिया कि एसोसिएटिव हो जा रहा है। यहाँ लिख सकते हैं अतः अतः फलनों का संयोजन साहचर्य है, साहचर्य है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं प्रॉपर्टी, लिखे हैं दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयोजन एकैकी आच्छादक होता है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू वन वन एन टू फंक्शन इज आल्सो वन वन एन टू, ठीक है। चलिए मतलब कि अगर दो फंक्शन वन वन एन टू है तो उनका कंपोजिशन भी वन वन एन टू होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो पहले यह मान लेते हैं कि माना एफ ए टू बी तथा जी बी टू सी में एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है, यह हम लोग मान लेते हैं ये एकैकी आच्छादक फलन है। तो आपको पता ही है कि जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, तो जी ऑफ एफ फंक्शन एफ का डोमेन और जी का कोडोमेन, इस तरह डिफाइन होगा, है ना, परिभाषित है,
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जी ऑफ एफ एकैकी अच्छादक है, एकैकी अच्छादक है, वन वन अन टू फंक्शन है, ये आपको यहां पे प्रूव करना है। चलिए तो हम लोग पहले वन वन के लिए चेक कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्यूशन कर देखते हैं। यहां पे हम लोग मान लेते हैं लेट जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स वन इन आएगा और इधर जाएगा जी एफ एक्स टू। अच्छा, चूंकि आपको यहां क्या देख रहे हैं कि जी एक एक की है, जी इज वन वन, जी इज वन वन, वन वन है, तो जब फंक्शन जी वन वन है तो उसके यहां पे जो रखे जा रहे हैं है ना, जो रखे जा रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट, समझ रहे ना, फंक्शन जी में एक्स के जगह हम लोग या जो भी फंक्शन होगा उसमें हम लोग उसके इमेज के रूप में एफ एक्स वन रख रहे हैं और यहाँ पे एफ एक्स टू रख रहे हैं, ये ना रख रहे हैं जी, एलिमेंट यहाँ पे फंक्शन जी में एफ एक्स वन और एफ एक्स टू रख रहे हैं, यानी कि अगर फंक्शन का यहाँ पे ये फंक्शन वन वन है जी और इनके वैल्यूज बराबर है तो उस वैल्यूज है ना, ये जी फंक्शन में एफ एक्स वन रखने पर और यहाँ एफ एक्स टू रखने पर अगर वैल्यूज बराबर हो रहे हैं और वन वन भी है, डेट मीन्स के ये जो रखे वाले वैल्यूज जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा एफ एक्स टू, समझ आ रहे ना बात को, ये फंक्शन जी अगर वन वन है, ठीक है, फंक्शन जी वन वन है और यहाँ पे इनके वैल्यूज एफ एक्स वन पर और एफ एक्स टू पर इक्वल है, यानी कि ये एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे एफ एक्स वन एफ एक्स टू के, है ना। अब तो ये फंक्शन जी के लिए इसके एलिमेंट ही है, ठीक है, अब देखिए ये इक्वल हो गए, अब चूंकि एफ भी वन वन है, एफ इज वन वन, तो फंक्शन एफ वन वन है और इनके वैल्यूज बराबर हो रहे हैं, यानी कि एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा ना, तो जब यहां देख रहे हैं ये चीज हमने लिया है एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया, तो यहां से जी ऑफ एफ वन वन नहीं हो गया, देयरफोर जी ऑफ एफ इज वन वन, फंक्शन जी ऑफ एफ इज वन वन, ध्यान से समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा तभी आपसे बनेगा। चलिए अब हम लोग अनटू के लिए इसके बात करते हैं, अनटू के लिए वन वन अनटू दिखाया था ना, तो अनटू के लिए, अच्छा हमारे पास दिया है फंक्शन एफ और जी दोनों एक एक के अच्छादक है, वन वन अनटू है, तो हम लोग यहां लिखते हैं फलन यानी फंक्शन जी बी टू सी अच्छादक है, अच्छादक है ना, अनटू है ना, चलिए अच्छा अनटू है, हम लोग मान लेते कोई एलिमेंट जेड है जो बिलोंग कर रहा है इसके कोडोमेन में, यानी कि सी में बिलोंग कर रहा है, सी में, अच्छा बिलोंग कर रहा है सी में, बिलोंग कर रहा है सी में इसके कोडोमेन में, यानी कि फंक्शन जी में, फंक्शन जी में ये एक इमेज के रूप में होगा, फंक्शन जी में ये अगर जेड बिलोंग कर रहा है सी से तो ये इसके इमेज के रूप में होगा, है ना, इमेज के रूप में होगा, और यह इमेज कब आया होगा फंक्शन जी में, मान लेते हैं कि अगर हम लोग वाई ले लेते हैं, वाई है ना, वाई रखने पे फंक्शन जी में वाई रखने पर जेड आ रहा है और यह जेड किससे बिलोंग कर रहा है, सी से, है ना, यह सेट सी से बिलोंग कर रहा है, समझ गए ना बात को, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब चीज समझना, फंक्शन जी में वाई रख रहे हैं तब यह आपका जेड आ रहा है, जो कि जेड क्या है, जेड आप का बिलोंग कर रहा है सेट सी में, क्लियर है यहां से, अच्छा बिलोंग कर रहा है यहां पे जेड सी से और यहां देख रहे हैं कि यह जेड जो है जी वाई का वैल्यू है, यानी कि यह वाई क्या होगा, इसका एलिमेंट रहा होगा, वाई इसका एलिमेंट रहा होगा, यानी कि यहां से ना कंक्लूजन निकल रहा है कि वाई बिलोंग्स टू बी, वाई इससे बिलोंग कर रहा होगा तभी ना ये रखने पर यह आ रहा है, क्लियर है, अच्छा वाई बिलोंग टू बी। Now, अब देखिए यहां पे f जो है a टू b ये भी अनटू फंक्शन है, अच्छादक फलन है, अच्छादक है, अच्छादक है, और हमने ऊपर देख लिया कि y बिलोंग कर रहा है b से, y बिलोंग कर रहा है b से, देयरफोर हम मान लेते हैं या हम मान लेते हैं कि फंक्शन f में x रखने पर
यही इमेज के रूप में आ रहा है। समझ रहे ना बात को, फंक्शन एफ में एक्स रखने पर यही इमेज के रूप में आ रहा है, वह वाई है तो इमेज के रूप में ही आएगा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। तब फंक्शन एफ में एक्स रखने पर वाई आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो एक्स एलिमेंट है, यह एक्स एलिमेंट जो है यह बिलोंग कर रहा होगा सेट ए में, तभी ना उसमें एक्स रखने पर यह वाई आ जा रहा है और वाई बिलोंग कर रहा है बी से, समझ गए ना। तो यह हमने क्या देखा कि जेड जो है, जेड जो है जी वाई के बराबर है, और यह जी वाई, वाई की बात करें तो वाई तो बी में बिलोंग कर रहा था, वाई बी में बिलोंग कर रहा था, इसलिए यह वाई किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, वाई एफ एक्स के बराबर आ गया। तो वाई को हटा के एफ एक्स रख देंगे, जी एफ एक्स बन जाएगा, यानी कि यहां से आ गया जी ऑफ एफ हो जाएगा ना, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हमने क्या देखा, ये अनटू बी हो जा रहा है, अनटू बी हो जा रहा है ना, क्योंकि हमने देखा कि एलिमेंट जेड जो है जो सी से बिलोंग कर रहा है, इसका प्री इमेज यहां पे है, प्री इमेज यहां पे मिल जा रहा है, देयरफॉर जी ऑफ एफ इज अनटू, मतलब कि जी ऑफ एफ वन वन भी है और अनटू भी है, हमने यहां से प्रूव करके दिखा दिया। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, अगले में कह रहा है माना कि फंक्शन एफ ए टू बी है, तो फंक्शन एफ ऑफ आई, आई यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात कर रहा है और ये सेट ए पे दिखा रहा है, आई जो है आइडेंटिटी फंक्शन है सेट ए पे, तो एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई ऑफ बी, यहाँ सेट बी है, आई ऑफ एफ, एफ ऑफ आई, आई ऑफ एफ दोनों बराबर होंगे एफ के, अर्थात इसका मीनिंग क्या होगा कि किसी फलन का तत्समक फलन यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन से संयोजक करने पर, उसका संयोजन करने पर खुद वही फलन होता है, देख रहे हैं ना, एफ के साथ आई आइडेंटिटी फलन का अगर हम लोग यहाँ पे संयोजन किए, उनका हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन किए और या ऐसे भी किए, उसके कंपोजिशन है ना, उसके साथ एफ का कंपोजिशन चाहे एफ का उसके साथ कंपोजिशन, दोनों तरीके से किए तो आपका एफ ही आएगा, यानी खुद वही फंक्शन ही आ जाएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन जो है आई बेस ए दिया है, तो इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं ए टू ए, कहने का मतलब यह है अगर यह सेट ए पे है, दैट मींस इसका डोमेन जो होगा ए होगा और उसके इमेज भी सारे ए ए ही आएंगे, यानी कि को डोमेन भी आपका वही ले लेना होगा, ठीक है। चलिए, एंड फंक्शन एफ जो दिया है वह ए टू बी है, ये तो दिया है, तो अगर हम लोग बात करें एफ ऑफ आई की और बेस में ए की, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके डोमेन और इसका कोडोमेन, तो इसका डोमेन क्या है ए है और एफ का कोडोमेन क्या है बी है, तो ए टू बी पे डिफाइन होगा, ए टू बी पर डिफाइन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे एफ ऑफ आई बेस में ए रहेगा और यहाँ पे एक्स लगाते हैं और एक्स क्या है, मान लेते हैं कि इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका वैल्यू किस तरह से लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा एफ आई बेस ए एक्स, ए ना लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसके डोमेन में बिलोंग करेगा। अच्छा, इसका वैल्यू देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन में अगर हम एक्स रख रहे हैं, एक्स रख रहे हैं तो वहां वैल्यू भी आउटपुट भी आपका एक्स ही आएगा, ये तो पता ही है, यानी इसका वैल्यू एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा ना, आइडेंटिटी फंक्शन में अगर एक्स रख रहे हैं तो उसका वैल्यू एक्स आ जाएगा, ठीक है, टू रखेंगे तो टू आएगा, जो रखेंगे वही आ जाएगा, है ना, यानी कि ये एफ एक्स हो गया। देयरफॉर हमने क्या देखा कि एफ ऑफ आई बेस ए जो है यह बराबर है एफ के। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, इसको इसके बराबर दिखा देते हैं, तो फिर से अगेन हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन फिर लेना होगा किस तरह से, तो वो लेना होगा बी टू बी, है ना, बी टू बी, क्योंकि यहाँ आई टू आई बी लिखा है, तो यानी कि इसका यहाँ पे कह रहा है कि डोमेन आपको बी लेना है, तो को डोमेन भी आपको बी ही लेना होगा, या रेंज कहिए तो वो भी आपका बी ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं है आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, ठीक है। एंड फंक्शन एफ तो पता ही है ए टू बी पे डिफाइन होगा, तो अगर हम आई ऑफ एफ की बात करें तो ये कैसे डिफाइन होगा, तो एफ का डोमेन ए और इसका आई का डोमेन बी, इस तरह से डिफाइन होगा। चलिए, इस तरह से डिफाइन होगा ना, तो अब हम लोग लिखेंगे आई बी, यहां बेस में रहेगा आई ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आई बेस में बी रहेगा
ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसी तरह से ना लिखेंगे। वही बात हो गई यहाँ पे कि आइडेंटिटी फंक्शन में कोई भी आप एलिमेंट रखोगे, कोई भी आप एलिमेंट रखोगे तो वही आ जाना, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, देयरफोर आई ऑफ बी बराबर हो गया एफ के। तो हेंस आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ऑफ आई बराबर होगा आई ऑफ एफ के, बराबर हो जाएगा एफ के। यानी कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी फंक्शन का कंपोजिशन किया जाता है तो वो वही फंक्शन आ जाता है आपका, इसका मतलब यही ना होगा। चलिए चार नंबर देखते हैं प्रॉपर्टीज। माना कि फंक्शन एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए दो फलन है, ये ए से बी में और जी जो है बी टू ए में, ताकि जी ऑफ एफ सॉरी एफ ऑफ जी जो है आई बी के बराबर है। तो एफ आच्छादक है तथा जी एक एकी है, यानी कि एफ वन टू फंक्शन है और जी वन वन फंक्शन है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। चलिए तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए। हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट एक एलिमेंट बी ले लेते हैं, यह मान लेते हैं कि बिलोंग्स कर रहा है सेट बी से, और चूंकि हम लोग के पास दिया है कि जी जो है फंक्शन वह बी टू ए डिफाइंड है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कहने का मतलब यह जी ये बी जो है बिलोंग कर रहा है इस सेट बी से, यानी कि इसके डोमेन से, फंक्शन जी के डोमेन से, यानी कि यह यहाँ पे रखने पर, यह एलिमेंट फंक्शन जी में रखने पर है ना, जो वैल्यू आएगा वह इसके को डोमेन में बिलोंग करेगा, ये जो वैल्यू है यह इसके को डोमेन में बिलोंग करेगा, को डोमेन में बिलोंग करेगा। और यह भी मान लेते हैं लेट कि ये जो वैल्यू है इसको कुछ मान लेते हैं, इसका जो वैल्यू है कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जी बी का वैल्यू जो है वह ए है, ठीक है ए है, ए मान लेते हैं, और इसका मतलब यही ना हुआ कि यह ए इसका एलिमेंट हुआ है ना, इसका मतलब यही ना हुआ कि ए जो है बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि एफ ए के पास चलते हैं, एफ ए जब जाहिर सी बात है फंक्शन एफ का यह एक एलिमेंट हो गया उसमें बिलोंग कर रहा है, तो एफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी बी, ठीक है। अच्छा यहां से अब हो जाएगा एफ ऑफ जी, और इसको बी को अलग कर देंगे इस तरह से, एफ ऑफ जी किसके बराबर है, आई बी के बराबर है, आई बी के बराबर है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन है और यहाँ पे बी एलिमेंट रखा जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आउटपुट में बी ही आएगा, बी ही आएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ कि यहाँ पे बी जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है सेट बी में, बी जो है बिलोंग कर रहा है सेट बी में, और यहाँ देख रहे हैं इसके लिए ए का यहाँ ना ए बिलोंग्स कर रहा है ए से, यानी इसका यहाँ पे अस्तित्व है, इसका ये एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी ए बिलोंग्स टू ए इज एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ना एफ ए का वैल्यू आपका बी आ जाएगा, देख रहे हैं ना, एफ ए का वैल्यू बी आने का मतलब क्या है, एफ ए का वैल्यू बी आ रहा है और बी क्या है, इस बी में बिलोंग कर रहा है सेट बी में। तो यहां देख रहे हैं कि इसका प्री इमेज इस फंक्शन में अवेलेबल है, आप यहीं से देखो ना एफ ए का वैल्यू बी आ गया, तो बी का प्री इमेज एफ एक्स एफ ए होगा, प्री इमेज एफ ए होगा ना, देयरफॉर एफ इज अनटू, फंक्शन एफ जो है आपका अनटू हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि जी एक एकी के लिए, चलिए तो जी एक एकी होने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, लेट जी एक्स वन, ठीक है, एक्स वन बराबर में जी एक्स टू, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इसके डोमेन में, फंक्शन जी के डोमेन में। चलिए तो यहां से अगर हम दोनों तरफ एफ फंक्शन एफ का कंपोजिशन कर दे तो एफ जी एक्स वन, और इधर हो जाएगा एफ जी एक्स टू, क्लियर है। अब देखिए इसका कंपोजिशन किया तो इसको इसके साथ ले लेंगे एफ ऑफ जी एक्स वन, और इधर हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स टू, इसी तरह ना है ना, अच्छा एफ ऑफ जी यहाँ पे ये बन जाएगा आई बी, आइडेंटिटी फंक्शन,
और इधर भी आई बी एक्स टू और एक्स वन एक्स टू तो बिलोंग ही कर रहा था बी से, एकदम ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स वन और इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स टू, एक्स वन एक्स टू के बराबर हो गया। देयरफॉर जी इज वन वन, फंक्शन जी जो है आपका वन वन हो गया। तो क्लियर हो गया, तो इस वीडियो को यही पे इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, और एक मेरे न्यू चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।